यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने घर को ताला बंद करके जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि बंद मकानों को चोर अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर के चांदपुर इलाके का है, जहां पर चोरों ने एक बंद मकान को अपना निशाना बनाया और मकान में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। मकान मालिक को जब इस बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए। अज्ञात चोरों ने कमरे में रखी सेफ के ताले तोड़कर उनमें रखे सोने चांदी के जेवरात तथा रकम चुरा लिए। पीड़ित गुलफसा ने बताया कि उसकी सेफ में एक सोने की झालर, मंगलसूत्र, सोने का टीका, एक पेंडल, 3 मोबाइल तथा 68,000 रुपये नकद थे। तथा दूसरी पीड़ित महिला आयशा ने बताया कि उनकी सेफ में से सोने के झाले, झुमकी, नथ, लॉकेट, 2 जोड़ी पाजेब, 1 चांदी का हार, 1 चांदी का झूमर तथा 4 मोबाइल चोर चुरा कर ले गए हैं। घर में हुई चोरी को देखकर दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और चोरों का पता लगाने का सुराग भी लगा रही है। सिडी न्यूज़ संवाददाता उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। मौत में गई थी कहाँ? धनोरे। अच्छा, मेरे खालू का इंतकाल हो गया था। कब गई थी आप? मैं गई थी जुम्मे के दिन जी 4 बजे, इस टाइम निकली मैं यहाँ से। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं यहाँ से चली गई। मैं वहाँ से, मुझे सवारी नहीं मिली रात में, तो मेरी नंद आई हुई थी, मैं अपने नंद के साथ चली गई वहाँ पे बच रहा हूँ। अब मैं कल आ रही थी तो मेरी बच्ची की बहुत तबीयत खराब थी, मैंने उसे दवाई दिलवाई, नंद ने बोला खाना वाना खा के जरा आराम से जाइयो। अब मैंने सुबह घर की खैर खबर लेने के लिए आज फोन करा, वो आज भी नहीं आने दे रही थी कि तुम आराम से खाना खा के। फिर क्या हुआ जब मतलब आई घर? फोन करा मैंने, वो लड़का जब आया वो बोलता है कि तुम्हारे घर का तो चाची ताला टूटा हुआ है। आज जब मैंने पूछा अच्छा ताला टूटा हुआ मेन गेट का, हिरल हो का गेट, ये ताला इतने बड़े गेट का ताला तोड़ा, फिर इस कमरे में जो मैंने कहा मेरा कमरा दिखाई, कमरे का भी ताला टूटा हुआ है, सेफ अलमारी का लॉकर तक का, लॉकर की चाबी मेरे पास थी, लॉकर का ताला तक का तोड़ दिया। फिर वो इधर आया, मेरा कमरा, ये किसका कमरा? ये मेरी जिठानी का कमरा है। अच्छा, इसका भी कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी सब चीज है। जो लॉकर में चीजें रखी थी, पैसे रखे थे, कम से कम उनके सेफ अलमारी में भी 5-6 लाख का जेवर पैसे थे, और मेरी सेफ अलमारी में 5-6 लाख का पैसे जेवर और पैसे थे। जो जो सामान मेन मेन था, घर सऊदी का सामान था, सऊदी की घड़ियां थी, सोने की पीने थी, उसमें वो सब ले गए, मेरी LCD भी ले गए बाद में उतार के सुबह के टाइम में। वो दिन तो थाने में तहरीर दी, अभी नहीं आ गए? क्या चाहते हैं आप पुलिस से, क्या मदद चाहते हैं? हमारे साथ इंसाफ हो, हमारा जो सामान गया है वो हमें मिल जाए, जो कुछ हुआ हमारे साथ इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए, जो हमारा गया है वो हमें वापस चाहिए। ये हमने बहन की शादी कर रखी थी जी, बहन थी यहाँ इस मोहल्ले मोहल्ला काजियान में। जी बताइए फिर। यहाँ सर हमने कर रखी थी, तो ये दवाई बच्ची की लेने दिल्ली गई थी, दिल्ली का इलाज चलिया एंड का। कौन कौन गई थे, क्या नाम है आपकी बहन का? बहन का नाम हमारी आसिया है। अच्छा, एक हमारे मामू की लड़की है, ABI है। अच्छा, तो वो मौत में गई थी अपने खालू की धनोरे में जी, उनके धनोरे में इंतकाल हो गया था, वो वहाँ चली गई थी। तो यहाँ कोई था जी? कोई यहाँ कोई नहीं था जी, ताले लगे हुए थे, ताले लगे हुए थे। फिर क्या हुआ, कैसे ताले? पता लगा जब वहाँ से फोन पहुँचा करा तो मोहल्ले में से बताया जी आपके ताले टूटे हुए हैं। जब ताले टूटे हुए देखा आगे तो दोनों कमरों के ताले टूटे हुए, बाहर मेन गेट का ताला टूटा हुआ और सारा सामान ये बिखरा पड़ा है, ये आपके सामने है। अच्छा, कितना सोना गया होगा? जितना सोना था सारे सोना गया इनका जी। जी कितना कितना नुकसान हुआ लगभग? नुकसान जी 52,000 रुपये तो उसके हैं, दूसरी वाली हमारी मामा की लड़की के हैं। हाँ। और हमारी बहन के हैं 45,000 रुपये करीब। अच्छा, तो कुल मिला के कितना सोना चांदी? और सोना जी 4 लाख के करीब था सोना हमारी बहन का। अच्छा, और जी 2.5-3 लाख के करीब है उसका छोटी वाली। तो थाने में तहरीर दी इस बात की? थाने में तहसील दी जी, थाने में रिपोर्ट करवाई है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप जी? हमें बस हमारा माल मिल जाए, देखो हमारे गरीब है, हम कहाँ से करेंगे, जाने कैसे कैसे करके तो हमने ये करा था। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष,
लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।